Hello and welcome back to another video from Concepts of Biology, guys. So in this video we are going to talk about ECG. ठीक है, तो इस वीडियो में हम ECG के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि NCERT का में जो गिवन है, जो NCERT में जो बेसिकली जो ECG का जो डायग्राम गिवन है, हम उसी के ऊपर बात करेंगे. ओके, तो इससे पहले बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में कि ECG होता क्या है. ठीक है, तो ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, ECG को हम कभी कभी EKG भी बोल दिया करते हैं. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ECG इज समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल्ड EKG, राइट. तो ECG का जो बेसिक यूज है, तो जो ECG का जो यूज़ है वो हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए करते हैं. ठीक है, लेकिन हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्यों मेज़र करते हैं, हम इससे ये पता करते हैं कि हार्ट में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, किसी तरह की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या हार्ट में किसी तरह का कोई डिजीज़ तो नहीं है. ठीक है, तो उस डिजीज़ को पता करने के लिए, उस डिजीज़ का पता लगाने के लिए हम ECG का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जो हमें ग्राफ मिलता है जब हम ECG का, जब हार्ट का जब मेजरमेंट लेते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, तो हमें एक ग्राफ मिलता है. ठीक है, कुछ इस तरह का. ठीक है, एक स्टैंडर्ड ग्राफ मिलता है. तो ये ग्राफ हमें बताता है कि हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं, या जो भी सिम्टम्स हैं इस ग्राफ के थ्रू हम पता करते हैं, राइट. तो अब एक कन्फ्यूज़न आता है क्या, कि इंट्रेंसेज में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कि जैसे ये पी वेव है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ये क्या बता रहा है, ये टी वेव है, ये क्या बता रहा है. तो अक्सर क्या होता है कि इस जगह पे हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हैं, कि जैसे टी वेव, पी वेव हो गया. ओके, तो पी वेव क्या होता है, ये बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम. ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ द आर्ट्रिया, दैट इज राइट आर्ट्रिया और लेफ्ट आर्ट्रिया. ठीक है, क्योंकि हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए. ठीक है, दैट इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, या इसे हम आर्ट्रिया भी कह देते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. तो जो पी वेव है, अब यहां से देखना है. ठीक है, तो पी वेव आपको बताता है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल टुगेदर. ठीक है, तो पी वेव से हमें यह पता चलता है कि जो राइट ऑरिकल है और जो लेफ्ट ऑरिकल है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या हम इसे कह सकते हैं कि इट टेल्स अबाउट द डीप पोलराइजेशन ऑफ बोथ द एट्रियम. ठीक है, डीप पोलराइजेशन का अगर हम सिंपल शब्द में समझे तो डीप पोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, डीप पोलराइजेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो पी वेव टेल्स अस अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्ट्रिया. ठीक है, तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन टर्म में हमें कंफ्यूज नहीं करना है. हम डीपोलराइजेशन की जगह हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया. ठीक है, ओके, तो ये हुआ पी वेव हमारा. अब हम बात करते हैं QRS कॉम्प्लेक्स का. ठीक है, तो QRS कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है, ये क्या बताता है. तो QRS कॉम्प्लेक्स जिस तरह से ये हमें आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन बता रहा था पी वेव, ये हमें वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बताता है. QRS वेव्स जो है, इससे हमें पता चलता है कि जो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, दैट इज बोथ द वेंट्रिकल, एक साथ राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, सो नाउ इट इज क्लियर दैट QRS कॉम्प्लेक्स टेल्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द वेंट्रिकल. ओके, अब एक क्वेश्चन ये है कि ये जो QRS है, ये जो इसका पीक है, ये काफी हाई तक उठा हुआ है. ठीक है, काफ़ी इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है काफ़ी पिक पे है. ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है, तो अगर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स में, तो क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा वो भी पिक पे जाएगा. ठीक है, क्योंकि जो वेंट्रिकुलर वॉल होती है वो थिक होती है कंपेयर टू दिस ऑरिकल. ठीक है, जो ऑरिकल या आर्ट्रिया का जो वॉल होता है वो थीन होता है कंपेयर टू दिस वेंट्रिकल. तो अगर वेंट्रिकल का वॉल अगर थीक होगा, तो वहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा. इस चीज को यहाँ पे समझना है, इसीलिए जो ग्राफ है ये काफी पिक पर जाता है. आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये ग्राफ पिक पे क्यों जाता है, क्योंकि पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है वेंट्रिकल्स में, राइट. तो हमें ये चीज़ पता चल चुकी है अब कि ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है, ये हमें बताता है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द वेंट्रिकल. ओके, अच्छा, अब बारी आती है टी वेव्स की. ठीक है, टी वेव्स के अलावा हमें कभी कभी यू वेव्स भी देखने को मिलता है. सीन्स वो NCERT में मेंशन नहीं है, इसीलिए हम उसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे. ओके, तो यहाँ पर हम टी वेव्स तक बात करेंगे. अब टी वेव्स कहता है कि NCERT में एक लाइन लिखी है, इट टेल्स द
रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट. ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है, एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट. जब कभी भी एक्साइटेड स्टेट का बात आए ना, तो उस जगह पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वहां पर कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है. ठीक है, एक्साइटेड का मतलब हो रहा है कि वहां उस जगह पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट. तो रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द नॉर्मल स्टेट, पी वेव हमें बताता है. इसका मतलब क्या है कि जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो एक्साइट हुआ था, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यहाँ पे, ठीक है, वो अब एक्साइटेड स्टेट से धीरे धीरे, अभी कॉन्ट्रैक्टेड है, अब धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में आ रहा है. ठीक है, अभी नॉर्मल स्टेट में आ रहा है इस तरह से. तो ये जो हमारा जो टी वेव है वो हमें दोनों वेंट्रिकल का, ठीक है, वो हमें नॉर्मल स्टेट में जो आ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है. ओके, ये चीज आपको समझ में आ रही है. एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि ये जो टी वेव है ये हमें बताता है रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे जो हुआ, अब वहां से वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्टेट में आ रहा है जिस तरह से वो पहले था. ठीक है, तो इस चीज का हमें पता चलता है टी वेव से. अब क्या होता है कि हम जैसे ये जो हमने जो ग्राफ रीड किया, ठीक है, हमने किसी हेल्दी ह्यूमन का ये ECG का ग्राफ रीड किया, ठीक है, तो अगर हम इसी तरह से अगर बहुत सारे हेल्दी ह्यूमन का अगर हम ECG करते हैं तो हमें फेयरली एक ही टाइप का ग्राफ मिलता है. ठीक है, तो अगर किसी के हार्ट में अगर एबनॉर्मलिटी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, इस ग्राफ में डिफ्लेक्शन आएगा. ठीक है, इस ग्राफ में डिफ्लेक्शन आएगा या कुछ अलग तरीके का यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करेगा. तो उससे जो डॉक्टर्स हैं वो पता कर लेते हैं या जो ECG टेक्नीशियन है उनको पता चल जाता है कि हाँ देयर इज समथिंग एबनॉर्मलिटी इन द हार्ट. सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको समझ में आई होगी. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.